नमस्कार, आज हम जा रहे हैं 80 फुट रोड जो कि कानपुर में अराउंड गुमटी नंबर 5 के ही थोड़ा सा आगे है। सो वहाँ जा रहे हैं और मतलब ये मंदिर ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। और मतलब मैं एक्चुअल में जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, सो जैसे आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं अगले 10 मंदिर तक का लगभग डाटा रख चुका हूँ कि कहाँ कहाँ जाना है मुझे। ये मुझे 10 दिन तक का डाटा चाहिए होता, वरना किसी एक दिन अगर मिस हो रहा है तो वो ना हो, क्योंकि लगातार आपने देखा पिछले शायद मार्च से लगभग एक साल होने वाला है, अब अगले 2 महीने 3 महीने में एक साल हो जाएगा, एक भी दिन मिस नहीं हुआ है। आपको रोज सुबह मंदिरों के दर्शन मिले हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मंदिर के बारे में मुझे पता हो कहाँ पे मंदिर है जिससे मैं आपको दर्शन करा सकूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, और तो चलिए चलते हैं आज और आपको दर्शन कराते हैं। मुझे मंदिर का नाम नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बस देखा है कि वहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है। तो अंदर चलते हैं, नाम पता करते हैं, सब कुछ पता करेंगे। और आज मैं गोप्रो भी लगा रहा हूँ थोड़ा सा, और फिर चलते हैं, पूरा रास्ता सब कुछ दिखाएंगे। थोड़ी वीडियो सोच रहा हूँ कि 15 से 20 मिनट के आसपास की वीडियो बनाऊंगा अब, जिससे कि मतलब आपको जाने में कैसे जा रहा हूँ मैं, रास्ते में क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, वो सब चीज़ आपको पता चलती जाए कि मतलब मैं क्या क्या फेस करता हूँ, क्या क्या हो रहा है, कितनी अच्छी चीज़ें मिलती मुझे रास्ते में, वो सब पॉजिटिविटी आप तक पहुँचे। सो मैं गोप्रो को लगा के ले जाऊँगा आज, और इसमें रास्ते में जो भी रिकॉर्ड होगा वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। जो भी पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ें आपको दिखाया सकता हूँ, मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। और जल्दी मैं इसका माइक भी ले लूँगा, अडाप्टर आता है तब मैं इसका माइक इसमें यूज़ कर पाऊँगा। और फिर मैं चलते समय भी स्कूटर पर हेलमेट में केवल माइक लगा के आपको बोल पाऊँगा जो भी चीज़ मुझे बोलनी है सही से। तो चलिए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के। जय माता दी, सियावर रामचंद्र की जय, ओम नमः शिवाय। चलिए गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं। सो गाड़ी में हम एक्चुअल में अपना सोच रहे थे केवल केवल ये रख लेते हैं, टोपी और एक मास्क लेना पड़ेगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा धूल लगती है। चलिए हम रेडी हैं, गाड़ी बाहर निकालते हैं। ये बॉटल उठा ली, एक मास्क ले लिया, चलते हैं। यहां पे सामने आपको मिस्त्री मार्केट मिलती है जो घर बनाते हैं। पावर हाउस मार्केट, सो यहाँ से अराउंड ठीक ठाक दूरी है, लगभग 12-13 किलोमीटर भी यहाँ से बचा हुआ है। तो चलिए चलते हैं और आपको रास्ता दिखाते हैं अभी कहाँ से कहाँ जाना है। ये रास्ता राइट टर्न में सीधे आपको विजयनगर से पहले जो अरमापुर पे नहरिया पड़ती है वहाँ पे ले जा रहे हैं। ये करंट में अभी आवास विहार की नहरिया पे हूँ, तो यहाँ से राइट टर्न लेके सीधे हम पहुँच रहे हैं नहरिया के। ये NH हाईवे है जहाँ पे आपको ये अरमापुर पे नहरिया पहुँच चुके हैं, सीधे जाएंगे तो विजयनगर पहुँचेंगे। तो चलिए विजयनगर पहुँचते हैं और आपको रास्ता आगे दिखाते हैं कि मैं किस साइड जा रहा हूँ, अगर आप लोग को जाना हो तो आप कैसे जा सकते हैं। ये विजयनगर चौराहा है, ये फजलगंज चौराहा है, इससे हम लोग सीधे जाएंगे जरीब चौकी की तरफ,
और वहाँ पे रास्ते में ही थोड़ी दूर अगले चौराहे पे ही हम लोग को लेफ्ट टर्न लेना है गुमटी की तरफ। सो गुमटी ना गुमटी वाली रोड पे पहुँचने के बाद हम लोग को सीधे जाना है जो कल्याणपुर से जरीब चौक के लिए जो रोड मिलती है उस रोड पे हम मिलेंगे जाके। तो जहाँ मिलेंगे वहाँ डिवाइडर है, वो हमें क्रॉस करके सामने जाना है। सो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। मैंने पूरा रास्ता 5x स्पीड में रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ जिससे कि आपको रास्ता ढूंढने में, मंदिर ढूंढने के लिए रास्ते में कोई इशू ना हो। सो आप इस रास्ते को 5x स्पीड में देखिए। मैं यहाँ पे भूल चुका था कि मंदिर की लोकेशन क्या है। सो मैं अब यहाँ पे एक भाई है सामने, लड़का खड़ा है, उससे मैं पूछता हूँ कि मंदिर कहाँ पे है। सो वो मेरी हेल्प करता है इसमें, आपको सुनिए। अब ये लोकल है, ये यहाँ पे एक मंदिर है ना आसपास। कौन सा मंदिर? तो इधर भी एक बना हुआ है, इधर आज भी बना हुआ है, पीछे मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे भाई ने हेल्प की और उसने बताया कहाँ पे मंदिर है। उजियारी देवी के बारे में बताया उन्होंने, तो वहाँ पर हम लोग जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है मेरा पुराना वीडियो तो आप ज़रूर देखिए। नमस्कार। सो, हम आ चुके हैं पिपलेश्वर महादेव मंदिर पे। सो, जो मंदिर पापा ने बताया था वो थोड़ा सा पीछे है, मैं थोड़ा सा आगे निकला तो मुझे एक और मंदिर मिल गया। ये पापा ने दूसरा मंदिर बताया था, सो वहाँ पे आ गए हम, पहले मंदिर पे इसके बाद जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, महादेव के दर्शन करते हैं और जो भी यहाँ पे मूर्ति स्थापित है उन सबके दर्शन करते हैं। चलिए चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा। यहाँ पे आपको भोले बाबा अर्धनारेश्वर रूप में दर्शन देते हैं, माता पार्वती और भोले बाबा के दर्शन होते हैं आपको। जय हो, जय हो, जय हो। जय माता दी, जय भोले बाबा। तो यहाँ पे आपको शिवलिंग दिख रहा है, शिवलिंग के ऊपर तांबे का पूरा कवच लगाया गया है। जय हो भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। जय नंदी बाबा, जय नंदी बाबा। यहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा देखी है कि मधुमक्खियाँ आपको काटती नहीं है जो शिवलिंग के पास होती हैं। उनको पता होता है कि यहाँ पे जो भी दर्शन करने आते हैं वो उनको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जय हो प्रभु। यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं माँ दुर्गा के, माँ आदिशक्ति के। जय माँ, जय माता रानी, जय माता। बहुत ही विशाल मूर्ति है, जय माँ। यहाँ पे आपको बजरंगबली भगवान जी के दर्शन होते हैं। जय बजरंगबली भगवान जी, जय माता रानी, जय माता। यहाँ पे आपको गणेश भगवान जी के दर्शन होते हैं। जय हो गणपति बप्पा मोरया। यहाँ पे आपको माँ आदि शक्ति के दर्शन होते हैं। जय हो प्रभु, जय। ये पीपल देव हैं,
यहाँ पे लोग दीप जलाते हैं, जो भी फूल या जल चढ़ाना होता है लोग टब में चढ़ाते हैं या नारियल फोड़ते हैं वो भी इसी टब में डालते हैं। जय माता रानी, जय हो प्रभु, जय जय हो प्रभु। और मंदिर के प्रांगण में ही, आंगन में ही आपको बृहस्पति भगवान जी के दर्शन होते हैं। ये केले के पेड़ को बृहस्पति भगवान का ही दर्जा दिया जाता है। आइए इस मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं। जय हो प्रभु, जय जय माता रानी। यहाँ पे आपको श्री राम जी के दरबार के दर्शन होते हैं। जय हो प्रभु। भगवान श्री राम, भ्राता श्री लक्ष्मण, हनुमान जी और माता सीता, यहाँ पे माँ के दर्शन होते हैं आपको। जय माता दी। यहाँ पे आपको हनुमान भगवान के दर्शन होते हैं। जय हो प्रभु। शायद हम इसको खोल नहीं सकते, ये लॉक है। जय श्री राम। ओम हनुमते नमः। जय हो प्रभु, जय हो, जय। सो ये थे मंदिर के संपूर्ण दर्शन। सो अभी मेरी बात हुई है यहाँ पे जो आसपास लोग रहते हैं उनसे, उन्होंने बताया कि ये मंदिर लगभग 100 वर्ष से पुराना है, और तो मतलब खुद में ही ये बहुत प्राचीन हो जाता है। और तो आप लोगों को दर्शन करके कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताइएगा। बस मेरी छोटी सी प्रयास रहती है कि मैं आप लोगों को दर्शन करा सकूं, और मतलब आप लोग बस एक छोटा सपोर्ट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मतलब व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा लीजिए, जिससे लोग जानें कि यहाँ मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। बस इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किया करिए, जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोग देख रहे हैं पूरे वीडियो को। जय माता दी, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।